सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। कानपुर आ रहे योगी, 330 करोड़ के प्रोजेक्ट होंगे शुरू। उद्यमी डॉक्टर शिक्षकों से करेंगे संवाद, 9 दिसंबर को होना है दौरा। मथुरा वृंदावन में मेयर के कई दावेदार, जो पार्टी सत्ता में उसमें उम्मीदवार भी ज्यादा, ये सीट पिछला महिला वर्ग में आरक्षित हुई। इटावा लायन सफारी में शेरनी तेजस्वनी की मौत, उम्र होने के कारण चलने में थी असमर्थ, शव पोस्टमार्टम के लिए बरेली IVRI भेजा गया। वाराणसी में कबाड़ कारोबारी की हत्या, कार की सीट बेल्ट से बने फंदे से मिला लटका शव, सीट से बह रहा था खून। सपा MLA इरफान के खिलाफ 2 और FIR, इरफान पर गुंडा टैक्स मांगने और प्लॉट पर कब्जा करने में दर्ज हुई रिपोर्ट। यूपी में 6 IPS अफसरों का ट्रांसफर, 2 जिलों के कप्तान बदले, आकाश कुलहरी बने प्रयागराज के ज्वाइंट CP। रायबरेली में होटल व्यवसायी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने CHC में किया हंगामा, डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया। अमरोहा में सपा विधायक के 2 बेटों, बहू पर FIR, 2 समर्थक भी फंसे, लूट अपहरण व मतदान क्षेत्र में धोखाधड़ी करने का आरोप। आगरा में एतमादपुर की लूट निकली, फर्जी सेल्समैन ने कर्जा होने से चल रची थी साजिश, दूसरी बाइक रुपए लेकर हुए बरामद। गेट खोलने पर देरी पर चौकीदार को पीटा, गाजियाबाद में डंडे से पिटाई से चौकीदार का दांत टूटा, मकान मालिक गिरफ्तार। झांसी में बल्लमपुर प्रधान की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने 15 संपत्तियों को चिन्हित किया था, 9 की जब्त, 1.5 किलो सोना भी चुराया था। डॉक्टरों को दिखाने के नाम पर 33 लाख की ठगी, रिश्तेदार ने 6 साल में वृद्धा के खातों से निकाली रकम, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कन्नौज में स्कूल से नहीं खरीदा स्वेटर तो पुराना भी जमा कराया, पिता बोले पैसे कम पड़ गए इसलिए नहीं दे पाए, बिना स्वेटर जा रहा है बेटा। उद्यमी से 50 लाख रंगदारी मांगने वाले 3 अरेस्ट, गाजियाबाद में कुख्यात की यूट्यूब पर वीडियो देख आया था आइडिया। उन्नाव में 2 लाख की लूट का नहीं हुआ खुलासा, 36 घंटे बाद भी लुटेरों का नहीं लगा सुराग, SP बोले 3 टीमें लगी है, जल्द पर्दाफाश करेंगे। प्रेमी के लिए करवाई थी छोटी बहन की हत्या, इकलौती बेटी बनकर घर में रहना चाहती थी बड़ी बहन ताकि शादी के बाद भी प्रेमी से मिलती रहे। गौतमबुद्ध नगर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, IG लक्ष्मी सिंह ने थानों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रखने के दिए निर्देश। रायबरेली में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, सामान खरीदने बाजार गए थे परिजन, ASP बोले साक्ष्यों के आधार पर होगी कार्रवाई। हापुड़ में 22 दिन बंद रहेगा फुट ओवर ब्रिज, 30 दिसंबर तक होगा पुल का मरम्मत, ट्रेनों के संचालन पर नहीं होगा कोई असर। तमिलनाडु से काशी पहुंची हॉकी फुटबॉल की टीम, काशी तमिल संगम में कल से खेल महोत्सव, 10 को पहुंचेंगे विदेश मंत्री।
फतेहपुर में मिला युवक का शव, आधार कार्ड से हुई पहचान, पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत का कारण। मेरठ में मिली सिरकटी लाश, दिल्ली में हंगामा, दिल्ली से अगवा कर मेरठ लेकर आई गई बच्चे की हत्या, तंत्र साधना का संदेह। औरैया में पत्नी से झगड़ा कर पति ने लगाई फांसी, जुआ खेलने का था आदि, एक साल पहले हुई थी शादी। पूर्व मंत्री राजा अरदीमन सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जमीनों में फर्जी बैनामे कराने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्यवाही। कानपुर के ट्रेनवे पर फिर बंदी की मार, 26 दिन बंद रहेगी ट्रेन रिया, गंगा में होने वाले विभिन्न स्नानों को लेकर फैसला। लखनऊ में व्यापारी नीरज गुप्ता से लूट, बाइक सवार दो बदमाशों ने दी लूट की घटना को दिया अंजाम, रुपए से भरा बैग लेकर हुए फरार। लखनऊ बाईपास चौकी इंचार्ज अवधेश सिंह ने अवैध शराब के साथ एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, केमिल से देशी शराब बनाकर बेचता था युवक। गोंडा में बेहोशी की हालत में मिला अज्ञात व्यक्ति, जहर खुराने का शिकार होने की आशंका, एम्बुलेंस कर्मियों ने स्वास्थ्य सामुदायिक में कराया भर्ती। हमीरपुर में धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या, बोरी में बंदी मिली खून से लथपथ अज्ञात युवक की लाश, इलाके में मचा हड़कंप। कानपुर रोमिल सरकार की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक युवक और युवक को किया गिरफ्तार, लव ट्रायंगल में हुई थी हत्या। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला दो सगी बहनों का शव, सौ मिलने से पूरे गांव में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। औरैया पीसी श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में की गई बैठक, क्षेत्र अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। लखनऊ में बेखौफ दबंगों ने चलाई गोली, क्षेत्र में दहशत का माहौल, जिन्नातों वाली मस्जिद के पास युवक ने चलाई गोली। बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, 25,000 का इनामी बदमाश, स्थानीय पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। फरुखाबाद में शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम हुआ फेल, 11 बजे तक भी नहीं खुला प्राथमिक विद्यालय का ताला, नए निहालों की पढ़ाई पर लगा बट्टा। बुलंदशहर में जेएसपीजी डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं कॉलेज में दाखिला होने से रोका, छात्राओं के परिजन ने कॉलेज परिसर में किया हंगामा। गाजियाबाद में अजीबों गरीबों ठगी करने का मामला सामने आया, नकली घी बेचने का मामला आया सामने, खाद्य विभाग की टीम के अधिकारी कर रहे हैं जांच। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, पति घायल, दवा लेकर घर जाते वक्त हुआ हादसा, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, मामले में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कासगंज में बौद्ध भीम आर्मी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भावभीनी ने श्रद्धांजलि दी। रायबरेली में शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार, पीड़ित पिता ने एसपी से की शिकायत।
कासगंज में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने किया जीएसटी पंजीकरण के व्यापार वालों के खिलाफ कार्रवाई। कार्रवाई के चलते व्यापारियों में हड़कंप। रायबरेली में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस का अनोखा तरीका बनाई। जिंगजैंग बैरिकेडिंग सीसीटीवी से लैस बना के पोस्टर। सुल्तानपुर में धाराशाही होगा आलिशान होटल। कयान क्लार्क इन नियमों को ताक पर रखकर हुआ निर्माण। संभल में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल। लखनऊ में बिल्डर्स की वादा खिलाफी से नाराज निवासियों ने लगाया पार्क की जमीन को गुपचुप तरीके से बेचने का आरोप। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर कसा तंज। ट्वीट पर लिखे 3 दिन का सदन को 2 दिन में ही किया समाप्त। बुलंदशहर में गंभीर बीमारी से ग्रसित सीआरपीएफ के जवान का निधन। जंक्शन मार्ग स्थित मुक्तिधाम में सलामी के बाद दी गई अंतिम विदाई। गाजियाबाद में मामूली विवाद में दोस्तों ने युवक पर किया ब्लेड से हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। कानपुर में दबंगों की दबंगई है जारी। गीतांजलि डायग्नोस्टिक के कर्मचारी और महिला स्टाफ से हुई मारपीट। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। राजधानी में दबंगों का लगातार बोलबाला। दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। स्थानीयों ने युवक को कराया एरा अस्पताल में भर्ती। लखनऊ शहर में चलाए जा रहे नगर सुशोभन अभियान। नगर विकास मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर चलाया जा रहा है अभियान। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी से दो पक्षों में खूनी संघर्ष। संघर्ष के दौरान लहराए गए हवा में असलहे। घटना वीडियो का हुआ वायरल। कोंडा में आशा बहुओं ने अशीतकालीन धरने पर बैठी। आशा कार्यकर्तियों के पिछले 8 महीनों से वेतन न मिले पर धरने पर आशा कार्यकर्ती। बांदा में खेत में पानी लगाने गए किसान की ठंड से मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में हाईवे किनारे पड़ा मिला गुलदार का शव। किसी वाहन के चपेट में आने की आशंका। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। उन्नाव में खेतों में निकला विशालकाय अजगर। युवक ने मुश्किल से काबू कर बोरी में डाला। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। गाजियाबाद में बच्ची की रेप हत्या का आरोपी अरेस्ट। पार्क में लड़की का पीछा करते पहुंचा। घर के बाहर खेलती दिखी बच्ची को ले गया उठाकर। सिद्धार्थनगर में डीएम ने कार्यों की समीक्षा बैठक की। सभी वार्डों में फॉगिंग के दिए निर्देश। सफाई को लेकर बड़ा रुख अपनाया। एक फीट जमीन के लिए भाई ने पीट पीट कर मार डाला। गोरखपुर में दोनों भाइयों की बीवी आपस में लड़ रही थी। विवाद बढ़ता देख आपस में भिड़ गए दोनों भाई। फिरोजाबाद में सपा के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। हॉस्टल में एमबीबीएस के छात्र की आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। लखीमपुर खीरी के वाणिज्य विभाग की छापेमारी का विरोध। व्यापारी में नेताओं ने शहर में निकाला जुलूस।
सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो हादसे, गाय से टकराकर घायल हुआ युवक, जबकि आने पर डिवाइडर से टकराया बाइक सवार। बलरामपुर में दिनदहाड़े बैंक मित्र से लूट, 1,80,000 से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश, एएसपी ने जांच के आदेश दिए। बरेली से छात्र लापता, अपहरण की आशंका, बदायूं का रहने वाला सुमित बरेली से कर रहा था पढ़ाई। एडीएम ई ऑक्शन नियमों का ट्रायल शुरू, विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की करेगा ई नीलामी। हाथरस में फंदे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का लगाया आरोप, मां बोली कार के लिए बेटी को मार दिया। शामली में बेसहारा गोवंश लोगों के लिए बनी मुसीबत, सड़क पर अचानक सामने आने से हुआ हादसा, बाइक सवार चाचा भतीजे की हालत गंभीर। मैनपुरी में तालाब में डूबकर युवक की मौत, 4 दिन पहले पुलिस ने बचने के लिए लगाई थी छलांग, 5वें दिन मिली लाश। महापौर को धमका रहे बैंक लोन कर्मी, पार्षद लोन नहीं चुका सका तो महापौर से करें अभद्र भाषा का प्रयोग, पुलिस से की शिकायत। बागपत में घर में घुसकर दो नाबालिगों से छेड़छाड़, विरोध पर जान से मारने की दी धमकी, शादी समारोह में शामिल होने गया था पूरा परिवार। फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पर परेशान लोग, पाइपलाइन बिछाने के लिए नाले बंद कराए, अब दुकानों में घुस रहा है गंदा पानी। बलिया एसपी ने 12 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, निरीक्षक अखिलेश को अपराध शाखा से भीमापुर भेजा, दारोगा चंद ज्ञानचंद बने पुलिस लाइन के एसएसआई। सुल्तानपुर में महिला ग्राम पंचायत सदस्य की हत्या, लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला, जंगल में मिला शव, खेत की रखवाली करने गई थी। श्रावस्ती में डीएम ने परिषदीय स्कूलों का किया निरीक्षण, विद्यार्थियों से पढ़ाई के बारे में पूछा, कहा लापरवाही होने पर बीईओ व प्रचार पर होगी कार्यवाही। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप